हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बायक्रम जे के दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हीरो की सुपर स्प्लेंडर न्यू मॉडल है दोस्तों। और यहां पर सबसे पहले क्या न्यू चेंजेस हुआ वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। यहां पर आप देखेंगे तो पूरा कंसोल अब आपको यहाँ पर इस तरीके से एकदम नया मिलेगा। आप देख सकते हैं ये एकदम स्पोर्ट एडिशन में आ गया। यहाँ पर मोड और रीसेट का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर टाइम भी बताएगा किलोमीटर और यहाँ पर आपका फ्यूल गैस बताएगा। और उसके बाद यहाँ पर एफआई लाइट, न्यूट्रल लाइट और आई3एस की लाइट, यहाँ पर ये पेट्रोल यहाँ पर आपका बताएगा। यानी कि अब यहाँ पर आपको लो फ्यूल वार्निंग की लाइट मिलेगी, एज की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिलेगी और इंडिकेटर की लाइट आपको यहाँ पर मिलेगी। और उसके बाद दोस्तों पासिंग की सिस्टम यहाँ पर आप देख सकते हैं जल रही है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो 40 जहाँ 40 लिखा है इकोनॉमी की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिल रही है। और कुछ इस तरीके से काफ़ी शानदार बाइक दिख रही है। और आई3एस यहाँ पर आपको स्विच मिली है। इसका मैं इंजन साउंड आपको सुनाऊंगा दोस्तों। इंजन दोस्तों एकदम बिल्कुल काफ़ी स्मूथली बाइक राइड कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद अगर आप इग्निशन ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके से बाइक आपको दिखेगी। काफ़ी शानदार बाइक दोस्तों। और प्राइस की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सस्ती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं हुई। जैसा कि अगर आपको पहले जो आती थी दोस्तों उस हिसाब से इस बाइक में ज़्यादा आपको प्राइस में डिफरेंस भी नहीं मिलने वाला है कि ये बाइक आपको महंगी पड़े। पीछे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो अब आपको यहाँ पर एक नया तेल लाइट का यहाँ पर आप देखेंगे ग्लास आपको मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक नया ग्लास आपको मिलेगा और ये अभी आपको बल्ब पर ही मिलेगी। एलईडी का पीछे जो है कोई भी चेंजेस अभी कंपनी ने नहीं किया है। बाकी इंडिकेटर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी इंडिकेटर आपको मिलेगा दोस्तों। और इंडिकेटर आप देखेंगे तो काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर एक हाइएस्ट बल्ब आपको मिलता है और जो कि 9 वाट का है। बाकी पीछे का पोजिशन कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा दोस्तों। और प्राइस मैं अगर आपको बताऊँगा तो काफ़ी आपको सरप्राइजिंग लगेगा क्योंकि बहुत ही सस्ती है, प्राइस बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। अब हीरो ने पहली बार ऐसा अच्छा काम किया है दोस्तों कि जिससे आप खुश हो जाएंगे क्योंकि फीचर बढ़ाया है लेकिन दाम नहीं बढ़ाया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ABS की भी ब्रांडिंग मिल रही है बट यहाँ पर ये मैं क्लियरेंस नहीं करूँगा दोस्तों क्योंकि डिस्क होता तो ABS हम मान जाते, बट यहाँ पर ABS बताया जा रहा है जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम जो IBS आता था वो यहाँ पर हट गया है। IBS नहीं, इसमें ABS आपको मिलेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं ABS के ऊपर ब्रांडिंग है और यहाँ पर IBS हट चुका है। रिफ्लेक्टर अब आपको एक नए जगह पर मिलेगा। बाकी 8018 का MREF का आपको ट्यूबलेस टायर आपको मिल रहा है। ड्रम ब्रेक आपको मिल रहा है जो कि 130 mm का है। बाकी 5 गियर आपको इंजन में मिलता है। 124.7 cc इंजन की कैपेसिटी वही है बट अगर मैं माइलेज की बात करूं तो इस बाइक में आपको 50 से 55 का माइलेज मिलेगा। आई3एस आपको मिलेगा दोस्तों और हीरो की ब्रांडिंग यहां पर मिलेगी। एक नया स्टिकर आपको मिलेगा। बाकी फाइबर का चेन कवर आपको इस बाइक में मिलता है। 5 बार एडजस्ट करने वाला आपको सस्पेंशन मिल जाता है इस बाइक में। एक नया यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग अब आपको मिलेगा। बाकी हॉर्न आपको सिंगल मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पर अब आपको मिलता है मोबाइल चार्जिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन अब आपको इस बाइक में मिलेगा दोस्तों जो कि बिल्कुल कैबदार है। आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना जो है बेहतरीन है। और बाकी जो है आप देख सकते हैं एक नया कंसोल, एक नए डिज़ाइन अब आपको इस बाइक में देखने को मिलेगी दोस्तों। और पेट्रोल टैंक कैपेसिटी वही 10 लीटर की आप देख सकते हैं, बिल्कुल सुपर स्प्लेंडर। और अब ये सुपर स्प्लेंडर बिल्कुल सुपर दिख रहे दोस्तों। ये चीज़ काफ़ी अच्छा कंपनी ने काम किया है कि सुपर स्प्लेंडर अब आपको सुपर दिखेगी। यानी कि इसमें जो जिसका नाम है उस हिसाब से इसमें अब आपको फीचर भी मिल रहे हैं। सेल्फ और किक दोनों स्टार्टिंग आपको इसमें मिलेगा। बाकी साइलेंसर आपको वही मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है बिल्कुल एक नया साइलेंसर। बाकी पीछे का जो है ड्रम ब्रेक आपको मिलता है। एक नया टायर आपको 8018 का सेम टू सेम आगे पीछे भी टायर वही आपको मिल रहे हैं। और एक नया ग्रेवरल आपको मिलता है। सीट आप देखेंगे तो पहले की अपेक्षा अब आपको सीट भी अलग मिलेगी। जैसे पहले ज़्यादा अप डाउन थी, यहाँ पर आप देखेंगे तो ज़्यादा उठी थी, लेकिन अब आपको एक नई सीट मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं सीट में काफ़ी अच्छा कंपनी ने काम किया है दोस्तों। और बाकी बाइक जो है काफ़ी शानदार है। यहाँ पर प्रोग्रामेड FI की ब्रांडिंग आपको मिलेगी। अब दोस्तों मैं इसका जो है इंजन साउंड आपको सुना दिया, अब मैं हेडलाइट भी आपको टेस्ट कराऊंगा स्टार्ट करके। इस तरीके से आप देखेंगे लाइट देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी अच्छी अब लाइट भी आपको मिल जाएगी। और इंजन साउंड भी बिल्कुल नहीं मिलेगा इसमें, काफ़ी अच्छा आपको ये फीचर मिलेगा दोस्तों। और एक नया कंसोल अब आपको इस बाइक में मिलने वाला है। तो दोस्तों अब इसकी हम ऑन रोड आपको प्राइस बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग आपको लगेगा और बिल्कुल सस्ती एकदम लगेगी। तो ऑन रोड प्राइस दोस्तों इसकी है 87,780 रुपये।
87,700 रुपये, यानी कि आप देख सकते हैं डिजिटल मीटर, पूरा एक नया कंसोल और मोबाइल चार्जिंग सारे फीचर्स के साथ दोस्तों। साइड स्टैंड का सेंसर भी आपको यहाँ पर मिलेगा, इसे मैंने साइड स्टैंड ऑन कर दिया तो यहाँ पर अब साइड स्टैंड आपका बता रहा है बाइक। तो इतने सारे फीचर्स के साथ ये बाइक 87,700 रुपये में ऑन रोड प्राइस मिल रही है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों।